नमस्कार मो माधव आपण मनको स्वागत करछि मो नुवा ओडिया चैनल गुटो इट ओडिया रे आज मो बिना प्याज जड रसुना दे केमति आमे डालमा तयारी करबा सेटा मो करिके देखेबी आ जल्दी तयारी करिया पे मो प्रेशर कुकर डालमा बने के देखेबी यदि आपण को मो वीडियो पसंद आसे तो मो वीडियो को लाइक निश्चय करबे शेयर करबे और मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमारु भूलिबेनि तो चलन तो देखि नेबा आमे की इंग्रेडिएंट्स यूज करबा डालमा तयारी करिया पे डालमा बनेबा पे मु नेछि घी 2 टेबलस्पून अदा छेचा 1 टेबलस्पून नडिया कोरा 3 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून पंच फुटाणा 1 टेबलस्पून हेंगु हाफ टी स्पून भजा जीरा गुंड 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर 1 टी स्पून लुण स्वाद अनुसार 2-3टा सुखा लंका गोटे तेजपत्र आसंतु देखने बा कि परिवा आम यूज करवा मुझे गोटे आलू नहीं मीडियम साइज आलू को टिके बड़ बड़ कर बैगण 1.5 कप गोटे कंचा कदमी को मीडियम साइज रो काटिक नहीं कखारू 1.5 कप सारू 1/2 कप रु 1 कप 2टा मीडियम साइज रो टमाटर आउ हरड़ डाली मु 1 कप नहीं आपण हरड़ डाली जगह मुग डाली भी नहीं पारती किंबा मुग हरड़ मिसेकी भी यूज कर पारती प्रथमे गोटे प्रेशर कुकर रे आम डाली को धोईकी पकेबा आम आलू बैगण कदमी कखारु सारू सब पर गुड़ा गोटे गोटे कर पकेबा डालमा बनवाई एति सब पर निहाती दरकार या छड़ा आपण बीन्स किंबा पोटल भी पके पारिबे टमाटर को छाड़ी सब पर पकईदब तापर आम ए ग्लास पानी दबा पानी जमती ऊपर को उठिकी रे हल्दी गुंड पकेब आ स्वाद अनुसार लुण पकेब एबे आम ए नड़िया कोरा पकेब नड़िया कोरा आप निज टेस्ट हिसाब से कम बेसी पके पारे एबे भल भाव गोलईद एबे टमाटर को एमती अधा अधा काटिकी ऊपर रखिवा टमाटर को हमको पूरा काटिवार नहीं एको हमें अधा काटिकी रखिवा काहे कि सेटा मु परे कहिबे एबे कुकर लीड बंद कर दबा आउ गोटे हुइसिल हबा पई अपेक्षा करिवा एबे मीडियम फ्लेम रे गोटे हुइसिल हे गलानी गैस रो फ्लेम को लो कर दबा 2 मिनट पर्यंत लो फ्लेम रे छाड़ीबा तापरे गैस रो फ्लेम ऑफ कर दबा 5-7 मिनट पई कुकर को छाड़ी दबा ठंडा हवा पई एबे कुकर ठंडा हेची कुकर खोलिबा देखि पर्थिबे आपण टमाटर दिटा मिक्स हेनी सेटा उपरे ही रही जाइची टमाटर को हमें गोटे प्लेट रे काढ़ी आनिबा टमाटर को गोटे चामच रे भल भाव मैश कर दबा एबे हमें गोटे कढ़ाई गरम करवा कढ़ाई रे घी पकेबा घी आपण निज टेस्ट हिसाब रे कम बेसी यूज करी परंती घी गरम हो गलानी एबे हम एथरे पंच फुटाणा पकेबा तेजपत्र पकेबा मु एठी 2टा सुखा लंका को भांगी के पकोउची आ गोटे सुखा लंका मुमती गार्निशिंग पकोचे बहुत लोगों को डालमा रे सुखा लंका बहुत भल लगे से गोटा सुखा लंका भी खोजती एबे आम एथरे टिके हेंगु पकेवा हेंगु आधा चम्मच पकेवा एबे आम एथरे अदा छेचा पकेवा अदा को जितेबले पकेबे तबले गैस रो फ्लेम लो रखिबे कारण अदा टिके तले लागि जाए हाई फ्लेम रे आ सांगरे हमें जो टमाटर मैश करके रखी थी सहीटा पकईदे
ଅଦା ଓ ଟମାଟରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିଲେ ଅଦା ତଳେ ଲାଗିବନି ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ। ଟମାଟର ଆମର ଆଗରୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଦା ବି ଟିକେ ଭାଜିଲେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା, ସାଙ୍ଗରେ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖିବା, ନହେଲେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା ତା ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଏବେ ଆମେ କୁକର୍ରେ ସିଝା ଡାଲମାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇଦେବା। ଆମ ଡାଲମା ଏବେ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।